अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं व्लॉग पाकिस्तान। और आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, भारत चीन से कितना घबराया हुआ है इसका अंदाज़ा आपको इस वीडियो के बाद लग जाएगा। एक तरफ चीन ने भारत की रातों की नींद हराम की हुई है और दूसरी तरफ भारत की रूस से मिन्नतें जारी हैं कि चीन भारत के दरमियान तनाव को ख़त्म किया जाए। और अब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी सऊदीया को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, गुज़िश्ता दिनों मोदी ने सऊदी बादशाह को फ़ोन किया और इनका हाल चाल दरियाफ्त किया और वबा की वजह से भारत में तबाहकारियों पर भी बात की। याद रहे कि हालिया कुछ दिनों में पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया के हालात बहुत खराब हो गए थे, लेकिन अब इनमें काफी गर्मजोशी देखने को आ रही है। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि तनाव बाकी है, जिसकी वजह से भारत ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की है। जबकि भारत चीन से तनाव खत्म करने के लिए भी सऊदी अरब से गुजारिश कर सकता है। वाजे रहे कि चीन ने लद्दाख का काफी हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया है और अब चीन वहां से जाने को तैयार नहीं, जबकि ये भारत के लिए किसी शर्मिंदगी से कम नहीं होगा अगर भारत चीन के कंट्रोल को मान जाता है। जंग से भारत लद्दाख ले नहीं सकता और बातचीत से काम बन नहीं रहा, जो बात भारत को शदीद दबाव में ला रही है। जबकि भारत को ये भी डर है कि अगर उन्होंने जंग में पहल कर दी तो जो इलाका उनके पास है वो भी नहीं रहेगा। नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो लगी होगी इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल व्लॉग पाकिस्तान को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर।